मुंबई में एक बैंक की शाखा में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं। आग लगने का के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद में भीषण आग लगी है। एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी है। 5 मंजिला इमारत में ये आग लगी है। बिल्डिंग में धुएं का गुब्बार निकल रहा है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तैनात है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। गुजरात में पाटीदार आरक्षण समिति की ओर से आज बंद का ऐलान किया गया है। इस बीच गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन एक बार फिर हिंसक हो गया है। आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की रिहाई की मांग को लेकर गुजरात के मेहसाणा में हिंसा हुई। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम आनंदीबेन से रिपोर्ट मांगी है। लखनऊ के बहुचर्चित आशियाना गैंगरेप मामले में आज इंसाफ का दिन है। फास्ट ट्रैक कोर्ट आरोपी गौरव शुक्ला को आज सजा सुनाई जाएगी। 2005 में चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। नैनीताल हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस ने याचिका दी थी। 2017 से पहले छवि सुधारने की कोशिश में अखिलेश सरकार जुट गई है। यूपी कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में हजारों करोड़ के विकास परियोजनाओं पर मुहर लग सकती है। बीएमडब्ल्यू रोड रेज मामले में आरोपी आज कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। 16 अप्रैल को नोएडा 1222 के पास बीएमडब्ल्यू कार ने 4 लोगों को रौंद दिया था। 20 वर्षीय गुलफाम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कार चालक की पहचान मयूर विहार फेज 3 के रहने वाले विनोद के रूप में हुई है। इक्वाडोर में आए भीषण भूकंप से 246 लोगों की मौत हो गई है और 2527 लोग घायल हो गए हैं। शनिवार देर रात 7.8 तीव्रता के भूकंप से आई तबाही के बाद देश के 6 प्रांतों में इमरजेंसी लगा दी गई है। साथ ही सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाक हिंदुओं को प्रॉपर्टी खरीदने, बैंक अकाउंट खोलने, पैन और आधार कार्ड बनवाने की मंजूरी देने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही इनके लिए भारत की नागरिकता के तौर पर रजिस्ट्रेशन फीस भी 15,000 से घटाकर 100 रुपए करने की तैयारी की जा रही है। कश्मीर के हंदवाड़ा में जिस लड़की से छेड़छाड़ के बाद हिंसा हुई थी उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। लड़की ने अपने पहले बयान पर कायम रहते हुए सेना के जवान पर छेड़छाड़ के आरोप को गलत बताया है। पश्चिम बंगाल की 56 सीटों के लिए हुए दूसरे चरण के मतदान में लगभग 80% वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान कुछ बूथों पर टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई जिसमें कई घायल हुए। देश भर में गर्मी का कहर जारी है। रविवार को ओडिशा के तितलागढ़ में तापमान 46.3 डिग्री और यूपी के बांदा में 45.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज बिहार के 24 जिलों में तेज आंधी तूफान की चेतावनी भी जारी की है। गुजरात के राजकोट में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की शादी में बारातियों ने खुलेआम फायरिंग की। वहीं दिल्ली में शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली से एक लड़की घायल हो गई जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। भारतीय रेल अपने मेगा रेल प्रोजेक्ट को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम में प्रोग्रेस की निगरानी ड्रोन से करेगा। इसके साथ ही रेलवे के दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पर अभी काम चल रहा है उनकी प्रोग्राम की निगरानी भी ड्रोन से ही की जाएगी। उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर फैसला आज आ सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 समन के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने का हवाला देते हुए अदालत से माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन ने आज से प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। दिल्ली सरकार ने यूनियन को लिखित आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगे मान ली जाएंगी। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस के विरोध में ऑटो टैक्सी यूनियन के एक गुट ने आज से हड़ताल का ऐलान किया था। दिल्ली में गर्मी का कहर जारी है और तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना रहा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में कुछ राहत मिल सकती है।
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि जो ऑटो रिक्शा चालक सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल तक ले जाने में मदद करेगा उसे 2,000 रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। सरकार जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी करेगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने 13 म्युनिसिपल वार्ड पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली के 13 म्युनिसिपल वार्ड में अगले महीने उपचुनाव होने हैं। दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की गई बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना में चयनित 94 लोगों को आज पुरस्कार दिए जाएंगे। चयनित 94 लोगों में से 3 लोगों को अधिकतम 50,000 रुपए और बाकी लोगों को उनके बिल की 5 गुनी राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को 5 टुकड़ों में काट कर एक बोरे में भरकर फेंक दिया। मृतका की बेटी ने जब मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तब जाकर ये मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी कलां गांव में एक 17 साल की लड़की अंजलि की शादी में हुई हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से घायल हो गई। गोली अंजलि के सिर में लगी है और उसकी हालत अभी बेहद नाजुक है। दिल्ली के कई इलाकों में बढ़ती गर्मी के चलते पानी का संकट खड़ा हो रहा है और पीने के पानी की कमी हो गई है। पश्चिमी दिल्ली के एक इलाके में टैंकर से पानी की सप्लाई के दौरान लोगों में मारपीट की घटना सामने आई है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक शख्स ने अपनी भांजी को किडनैप कर एक तांत्रिक को 40,000 रुपए में बेच दिया। तांत्रिक बच्ची को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। इसके पहले ही पुलिस ने रेड डालकर बच्ची को तांत्रिक से छुड़ा लिया। बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। 93 साल के दिलीप कुमार को सांस लेने में परेशानी के चलते शनिवार तड़के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। अब उनकी तबीयत में सुधार है। अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार की तबीयत जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। बिग बी के मुताबिक सायरा बानो ने दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार की बात उन्हें बताई है। बिग बी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। मुंबई के देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में पिछले दिनों लगी आग के मामले में पुलिस ने 4 कबाड़ियों की गिरफ्तारी की है। इससे पहले 9 स्क्रैप डीलरों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक ये लोग लड़कों को डंपिंग ग्राउंड भेजकर आग लगवाते थे और मलबे से निकलने वाले मेटल को बेचते थे। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर हुए एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल सहित 6 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बांद्रा से वर्ली की तरफ जा रही एक टाटा सुमो ने आगे चल रही एक कार में टक्कर मार दी। टीवी कलाकार प्रत्युषा बैनर्जी की कथित खुदकुशी मामले में प्रत्युषा के दोस्त राहुल राज से बांगूर नगर पुलिस थाने में पूछताछ हुई। राहुल राज को शनिवार देर शाम को श्री साई अस्पताल से छुट्टी मिली थी। मुंबई में पानी की सप्लाई में 20% कटौती के बीच माफिया 1,000 से 3,000 रुपए कीमत पर पानी के टैंकर बेच रहे हैं। ये पानी माफिया बीएमसी की वाटर पाइपलाइन से भी पानी चोरी कर बेच रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर रहेगा। स्वामी ने एक विवादास्पद बयान में कहा कि मस्जिद बनाने वालों को चाहिए कि वो मस्जिद सरयू नदी के पार बनाएं। बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में जान गंवाने वाले गुलफाम के परिवार वालों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नोएडा के 12/22 चौराहे पर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जौनपुर में किसान सभा ग्रामोदय से भारत का उदय अभियान और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया। इन योजनाओं के तहत 14 से 24 अप्रैल तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी में काम करने वाले युवक की मौत के बाद परिवार वालों को अभी भी उसके शव का इंतजार है। मिर्जापुर के रहने वाले 30 वर्षीय अमित सिंह की बीमारी के चलते 13 अप्रैल को मौत हो गई थी। परिवार वालों के मुताबिक गृह मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक गुहार लगाने के बाद भी अमित का शव भारत नहीं लाया जा सका है।
यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज फैजाबाद दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव फैजाबाद से अमेठी को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 122 परियोजनाओं की भी घोषणा करेंगे। अखिलेश यादव रुद्रौली और मिल्कीपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मथुरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य का जोरदार स्वागत किया गया। केशव मौर्य ने सबसे पहले भगवान बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। केशव मौर्य ने कहा, आने वाले चुनाव में बीजेपी का टारगेट 265 सीटें जीतने का है। लखनऊ में कांग्रेस की ओर से भीम ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। चीफ गेस्ट के तौर पर पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कार्यक्रम में पहुंचे। सुशील शिंदे ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। शिंदे ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए उन्हें ढोंगी बताया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बस अड्डे पर एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से बस के अंदर सो रहे एक शख्स की मौत हो गई। आगरा के नाई की मंडी थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। दिल्ली से सटे खोड़ा में 3 बदमाशों ने एक दुकानदार और उसके भाई से मोबाइल से भरा बैग और पैसे छीन लिए। विरोध करने पर दोनों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें शॉप मालिक की मौत हो गई। सीसीटीवी में बदमाशों के भागने की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। आगरा में एक युवक ने पहले अपनी मंगेतर को गोली मारी और बाद में अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 2 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एमपी के मुरैना में बदमाशों ने एएसआई गंभीर सिंह राजपूत को हसिया मारकर पूरी तरह से घायल कर दिया। जनपुरा चौकी में तैनात गंभीर सिंह को डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल वो गिरफ्त से बाहर है। गाजियाबाद के मुरादनगर में पंचायत ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वो पीड़ित लड़की की शादी का खर्च वहन करेगा। आरोप है कि लड़की का रिश्तेदार काफी समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। लड़की को बेरहमी से पीटा भी जाता था। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक तरफा प्रेम में पागल एक युवक ने बीच शहर में लड़की की चाकू से वार कर हत्या कर दी। लड़की हाजीपुर मोहल्ले की रहने वाली थी। राजस्थान के भरतपुर में पूर्व मंत्री संपत सिंह के भतीजे हेमू गुर्जर पर जानलेवा हमला हुआ। उस गोली लगने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला उस वक्त हुआ जब हेमू एक शादी समारोह में हिस्सा ले रहा था। राजस्थान के उदयपुर में बेटे ने अपने ही पिता की लाठी से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। आरोपी जोगीरा खेर हत्या के बाद से ही फरार है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 9 रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सर्विस की शुरुआत की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से रेल मंत्री ने इस सर्विस की शुरुआत की। 9 रेलवे स्टेशनों पुणे भुवनेश्वर रांची भोपाल रायपुर विजयवाड़ा काचीगुड़ा एर्नाकुलम विशाखापट्टनम और चंडीगढ़ स्टेशनों पर यात्रियों को अब मुफ्त में वाईफाई की सुविधा मिलेगी। रेलटेल और गूगल मिलकर ये सर्विस दे रहे हैं। रेलवे ने देश के 100 शहरों में फ्री वाईफाई देने की योजना बनाई है, जिसके लिए सबसे पहले मुंबई सेंट्रल स्टेशन को चुना गया था। जयपुर ब्लॉक में खराबी के चलते रेल यातायात गड़बड़ा गया है। कुछ ट्रेनों को कैंसिल तो कुछ का रूट रोहतक डायवर्ट किया गया। दिल्ली से जयपुर जा रही डबल डेकर ट्रेन को भी गुड़गांव से वापस बुलाया गया और जयपुर ब्लॉक पर गुड़ी हसरू के बीच ये खराबी आई है। हरियाणा के फरीदाबाद में महिलाओं पर हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मोबाइल ऐप FIR को लॉन्च किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस ऐप को लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर की डीएम डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की गाड़ी से 6 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। डीएम प्रियंका शुक्ला ने तुरंत बच्चे को अपनी गाड़ी से कुनकुरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे का इलाज जारी है। हालत अभी गंभीर बताई जा रही है।
छत्तीसगढ़ के पखांजूर में पुलिस और बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। जनमिलिशिया दलम के इस सदस्य की लंबे वक्त से तलाश की जा रही थी। एक साल पहले बांदे थाना प्रभारी अविनाश शर्मा की हत्या मामले में भी इसी नक्सली का हाथ था। ये 3 साल से जनमिलिशिया का दलम का सदस्य है। यूपी के कानपुर में होने वाले दूल्हे के घर में टॉयलेट ना होने की वजह से एक लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की के परिवार वालों के मुताबिक लड़के वालों ने शादी से पहले टॉयलेट बनवाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लड़की ने 4 दिन पहले ही शादी से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार के परसा भदर गांव में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि 20 मिनट में ही 7 घर जलकर खाक हो गए। हालांकि आग की वजह से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घरों में रखा किसानों का सामान जल गया। 3 दिन पहले ही सलोनी गांव में भी भीषण आग से 65 घरों में आग लगी थी। उत्तराखंड के धुमाकोट में हुए बस हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है, जबकि 38 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नशे में धुत ड्राइवर की वजह से यह हादसा हुआ था। बस रामनगर से पौड़ी जा रही थी। बस में 45 लोग सवार थे। उज्जैन सिंहस्थ मेले की शुरुआत 22 अप्रैल से होनी है, लेकिन इससे पहले ही साधु संत नाराज हो गए हैं। आवाहन अखाड़े से जुड़े संतों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो दिगंबर अणी के संतों ने भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल के सुपर बाइकर्स ने वीनू पालीवाल के एक्सीडेंट स्पॉट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत की पहली लेडी सुपर बाइकर वीनू पालीवाल की मौत के बाद अब देश भर के पैशनेट राइडर्स उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर उनकी याद में बाइक राइडिंग के इवेंट हो रहे हैं। राजस्थान में झुंझुनू के ककड़ई कला गांव में शराब ठेकेदार और ग्रामीण आमिर सामने आ गए। ककड़ई गांव के लोग इलाके में शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, हालांकि इससे पहले कि युवक खुद को आग लगाता आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक का आरोप है कि पुलिस वाले वाहनों के चालान के नाम पर परेशान करते हैं। जयपुर में आरंभ नाम के एक संगठन ने 19 अप्रैल को एनआईटी श्रीनगर में छात्रों के साथ हुई मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। जयपुर के स्टैच्यू सर्कल पर ये प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर के अधिकतर इलाकों में अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का असर राजस्थान के शिमला कहे जाने वाले माउंट आबू पर भी पड़ रहा है। माउंट आबू में अधिकतम तापमान 33 के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल प्रशासन का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा भर्ती होने वाले मरीजों से ही पंखा लाने को कहा जा रहा है। अस्पताल के वार्डों में लगे एसी और कूलर बंद पड़े हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन अभी दावा कर रहा है कि अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त हैं। राजस्थान के सीकर में मधुमक्खियों के हमले में दूल्हे समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए। शादी के बाद दूल्हे और दुल्हन देवी देवता की पूजा के लिए गांव के मंदिर में पहुंचे थे। इसी दौरान मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। घायल लोगों का सीकर के एक अस्पताल में इलाज जारी है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी 10,000 करने का आदेश जल्द ही जारी करेगी। श्रम राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि श्रम कानून में सुधार के लिए केंद्र सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर नियम 25 में बदलाव किया जाएगा और मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय को भेजा जाएगा। श्रम राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का आदेश दिया है, जिसे देखते हुए न्यूनतम मजदूरी 10,000 करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद यूनिवर्सल मिनिमम वेज लागू किया जाएगा। 1 जून से शुरू होने वाले ब्लैक मनी कंप्लायंस विंडो के तहत घोषित संपत्ति को आईपीसी अपराधों से छुटकारा नहीं मिलेगा। यानी भ्रष्टाचार और फ्रॉड के जरिए हासिल संपत्ति के मामले में आईपीसी की धाराओं में केस चलेगा। ऐसी घोषणा को आईटी एक्ट के तहत स्क्रूटनी से छूट मिलेगी। घरेलू ब्लैक मनी घोषित करने के लिए सरकार 1 जून से कंप्लायंस विंडो ला रही है, जो 30 सितंबर तक
खुली रहेगी। विदेशों में जमा ब्लैक मनी के लिए पिछले साल सरकार ने 3 महीने की कंप्लायंस विंडो खोली थी। सूत्रों के मुताबिक कंप्लायंस विंडो के लिए मई के मध्य तक सर्कुलर आ सकता है। अम्रपाली ग्रुप जैसी रियल एस्टेट कंपनियों को सरकार ने नसीहत दी है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि बिल्डरों को फ्लैट खरीदारों से किए अपने वादे पूरे करने चाहिए और सरकार ने ऐसे ही बिल्डरों पर लगाम कसने के लिए रियल एस्टेट कानून लाया है। वेंकैया नायडू ने बिल्डरों से कहा है कि वो समय सीमा के भीतर अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करें। नोएडा एनसीआर में हजारों लोगों के आशियाने का सपना तोड़ने वाले आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन तेज हो गया है। नोएडा के सेक्टर 45 में आम्रपाली सफायर में फ्लैट बुक कराने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर लोगों का आरोप है कि आम्रपाली ग्रुप ने सफायर प्रोजेक्ट के फ्लैट का 2012 में ही पोजेशन देने का दावा किया था, लेकिन 2016 के 3 महीने गुजर चुके हैं, 90% तक का पेमेंट कर चुके हैं, इसके बावजूद इसके पोजेशन नहीं मिल पाया है। इस बीच फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव से भी मदद की गुहार लगाई है। खरीदारों का कहना है कि आम्रपाली के दफ्तर के चक्कर काट काट कर वो थक चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो फ्लैट मिला है और ना ही कंपनी की ओर से कोई आश्वासन। रेलवे पर करीब 300 करोड़ के सर्विस टैक्स नहीं चुकाने की जांच रेवेन्यू विभाग कर रहा है। रेलवे से अपने सभी 16 जोन की जानकारी देने को कहा गया है, खासकर तत्काल टिकट कैंसिलेशन और बेड रोल से जुड़े चार्जेस की जानकारी मांगी गई है। रेलवे ने इस पर कितना सर्विस टैक्स दिया है इसकी जानकारी देने को भी कहा गया है। टैक्स अथॉरिटी का कहना है कि तत्काल टिकट कैंसिलेशन और बेडरोल सर्विस पर रेलवे जो सर्विस टैक्स लेगी वो विभाग में जमा नहीं किया जा रहा है। ये राशि करीब 300 करोड़ की है। वहीं रेलवे का कहना है कि एक जिम्मेदार विभाग होते हुए सरकार के सभी नियमों का पालन ईमानदारी से कर रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि सरकारी बैंकों के एसेट पर बैड लोन का दबाव आगे भी बना रहेगा। मूडीज के मुताबिक रीस्ट्रक्चर लोन भी आगे चलकर एनपीएज में बदल सकते हैं। स्टील और पावर सेक्टर के लोन को लेकर ज्यादा खतरा है। मूडीज का कहना है कि कुल रीस्ट्रक्चर लोन का 40% एनपीएज बन सकता है। आरबीआई नियमों के मुताबिक बैंक नॉन वायबल लोन को बैड एसेट घोषित कर देते हैं, जिसका असर उनके बैलेंस शीट पर पड़ता है। टाटा ग्रुप को अमेरिका में तगड़ा झटका लगा है। यूएस ग्रैंड ज्यूरी ने दो कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस और टाटा अमेरिका इंटरनेशनल कॉर्प पर 94 करोड़ डॉलर करीब यानी करीब 6200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना दोनों ट्रेड सीक्रेट वायोलेशन के मामले में लगा दिया गया है। टीसीएस और टाटा अमेरिका पर एपिक सिस्टम्स का उसका सॉफ्टवेयर चुराने का आरोप सही साबित हुआ है। इसके लिए टाटा ग्रुप एपिक को 24 करोड़ डॉलर का पेमेंट करेगा। ईपी के मुताबिक टीसीएस के एक एम्प्लॉय के अकाउंट से 6,477 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए गए। इस अकाउंट को भारत और अमेरिका में कई जगहों में इस्तेमाल किया गया। टीसीएस की तरफ से बयान है कि उन्होंने आईपी का कोई उल्लंघन नहीं किया है और वो कानूनी रूप से अपनी बात रखेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच 9/11 बिल को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। सऊदी अरब ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर सितंबर 2011 हमले के लिए उसे दोषी ठहराया गया तो अमेरिका में 750 अरब डॉलर की अपनी संपत्ति को बेच देगी।